हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों आज मैं हूँ लंदन के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। इस जगह को बोलते हैं एजवेयर। तो दोस्तों आज मैं आपको लंदन से 30 मील दूर लेके जाऊंगा, जो कि ना तो एक शहर है ना ही एक गांव है, बल्कि एक खेत है। आप भी सोच रहे होंगे खेत में क्या लेके जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये एक बहुत डिफरेंट किस्म का खेत है, इसकी डिटेल में अभी आपको नहीं बतलाऊंगा, जब वहाँ पहुँचेंगे तभी बतला पाऊँगा। लेकिन इन द मेन टाइम में आपको ये जो दिखाने का मेरा पर्पस है इस एरियाज़ को, ये रेजिडेंशियल एरियाज़ में डेलिब्रेटली लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको ट्रैवल ब्रोशर्स में देखने को नहीं मिलेंगी और इससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है। तो ये अभी आप एंजॉय कीजिए लंदन के रेजिडेंशियल एरियाज़ को। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं लंदन के नॉर्थ वेस्ट के एक्सट्रीम में। इसके बाद रेजिडेंशियल लोकेलिटीज देखने को नज़र नहीं आएंगी, तो इसके बाद मैं लेके जाऊंगा आपको हाईवे के ऊपर। अब हम पहुंच चुके हैं जी इंग्लैंड के सबसे लंबे हाईवे के ऊपर, जो कि लंदन से स्कॉटलैंड तक जाता है। इंग्लैंड में हाईवेज को मोटरवे भी बोला जाता है, तो इस हाईवे का नाम है M1। कुछ लोग इसे A1 भी बोलते हैं, थोड़ा ये टेक्निकल डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बाद में सेपरेटली किसी टाइम समझाऊंगा। तो दोस्तों मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ हिचिन टाउन, जो कि लंदन से 30 मील दूर है, जैसे कि मैंने पहले बतलाया था। तो इस हाईवे के ऊपर हम जब थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें राइट टर्न करना पड़ लेके जाना पड़ेगा ल्यूटन से, ये आ गया। तो यहाँ से पुल के ऊपर से चढ़ के हम राइट में टर्न करेंगे तो हिचिन जाएंगे। तो हिचिन में रेलवे स्टेशन भी है, ट्रेन से भी आया जा सकता है लंदन से, लेकिन हम जा रहे हैं जी कार में। ये है जी हिचिन के रेलवे स्टेशन के व्यू। तो इसके बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं जी हिचिन की गलियों से गुजरते हुए। ये सब हिचिन टाउन के व्यूज़ हैं। ये बहुत पुराना शहर है लेकिन काफ़ी अच्छा है ये। तो ये अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं जी लेवेंडर फॉर्म हिचिन। ये आ गया जी लेवेंडर फॉर्म हिचिन। तो सबसे पहले हमने किया जी यहाँ कार पार्क, और साथ ही ये बान शॉप है, यहाँ से हमने टिकट खरीदी है। 7.5 पाउंड पर पर्सन की टिकट हमें मिली है। तो मेरे सामने राइट साइड पे हैं जी एग्रीकल्चरल फॉर्म्स, मीलों मील दूर तक ये फैले हुए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पर, और सामने ही M1 रोड है जहाँ से अब हम अभी निकल के आए हैं थोड़े टाइम पहले। तो ये मेरे लेफ्ट साइड पे है ये लेवेंडर फॉर्म्स, बहुत ही शानदार बहुत ही खूबसूरत। ये मेरे सामने है जी रेलवे लाइन, जो कि हिचिन रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करेगी। ये अभी थोड़ी देर पहले ये एक ट्रेन निकली है जो कि हिचिन की तरफ ही जा रही थी, और अब ये मुझे लगता है कि दूसरी ट्रेन आ रही है, कुछ मुझे अंदाज़ा लग रहा है। तो हाँ ये आ गई, ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं ये लंदन की तरफ जाएगी। तो दोस्तों अब हम थोड़ी बात लेवेंडर फॉर्म के भी कर लेते हैं। ये 30 एकड़ से ज़्यादा एरिया में बना हुआ है, ये 150 साल पुराना है। इन ये फॉर्म के बीच में पैदल चलने के लिए रास्ते बनाए हुए हैं जी, बहुत ही ज़बरदस्त। और जब ये हवा चल रही है तो ये प्लांट्स जो लहरा रहे हैं, क्या ब्यूटीफुल साइट दे रहे हैं ये। मेरे इस प्लांट्स के बीच की वॉक को देख के प्लीज़ आप बाद में कमेंट जरूर करना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। ये फॉर्म के बीचों बीच जो आप लोग देख रहे हैं ये सब विजिटर हैं यहाँ पे, और इस फॉर्म की खासियत ये है कि इन्होंने हमें एक पेपर बैग दिया है और साथ में सीजर्स दिए हैं, यानी कि कैंची दी है, और उन्होंने परमिशन दिया है कि ये जो फ्लावर्स हैं इसको आप सीजर से काट के अपने साथ लेके जा सकते हैं अनलिमिटेड। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का एपिसोड ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।